जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों 28 सितंबर 2021 को मैं दल्ली राज गया था और वहाँ पे मनाया जा रहा था दोस्तों शहीद कामरेड शंकर गुहा न्योगी जी का शहादत दिवस। तो मैं ये देखने के लिए गया था दोस्तों, ज़्यादा नहीं सुना बस था, तो कैसे मनाते हैं उसको देखने के लिए गया था। उसी के बारे में छोटा सा वीडियो आप लोगों को मैं यहाँ कर बनाकर पेश करने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसे लगे दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और मैं देखने के लिए जाता हूं दोस्तों, देख के मैं सीखता हूं, उसी को आप लोगों को दिखाता हूं और बताता हूं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मिनी चिड़ियाघर बनाया गया है जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु को यहाँ पे रखा गया है, और आप लोगों को आगे की वीडियो में ऐसी ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आईपीएल जीते नहीं जी, दोस्तों 28 सितंबर 2021 को यहाँ पर दिल्ली राजरा में बहुत सारे लोग आए थे, लगभग दोस्तों 10,000 से उस पार तक के यहाँ पे आए थे, और बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था। यहाँ पे खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी दोस्तों। फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़े से घूमने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से पक्षी को रखा गया है। काना मेगा, दोस्तों जो ये पक्षी दिखाई दे रहा है इस पक्षी को गोड़ाल बोलते हैं। दोस्तों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का रहवासी हूँ, छत्तीसगढ़ी ज़्यादा जानता हूँ दोस्तों, तो इसे गोड़ाल बोलते हैं। और बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे कलर कलर के पक्षी को देखकर, कभी नहीं देखा था ऐसा कलरफुल पक्षी। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है खरगोश, और कितना सुंदर लगता है दोस्तों, और इसे छत्तीसगढ़ी में भाठलिया कहते हैं। आप लोगों के साइड में क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जो जंगल में रहते हैं उनसे तो भाठलिया ही बोलते हैं, ठीक है, और पालते हैं उसके खरगोश। दोस्तों दूर दूर से आए हुए अतिथिगण यहाँ पे भोजन करने के पश्चात रैली भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो अभी कुछ ही देर में दोस्तों रैली भ्रमण के लिए निकलेंगे। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि शंकर गुहा न्योगी जी कौन है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि शंकर गुहा न्योगी जी मजदूरों के नेता थे, वो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते थे दोस्तों। अगर न्योगी जी होते दोस्तों तो यहाँ कोई भी स्थानीय निवासी बेरोजगार नहीं होता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
दोस्तों अगर हक की बात है तो अपने लिए और अपनों के लिए हक की लड़ाई एक लड़ाई तो जरूर लड़नी चाहिए दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल के साथ बने रह सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे दोस्तों तो आने वाली वीडियो को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमारे वीडियो को आप लोग तुरंत देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।